हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल आज़ाद हाई स्कूल। आज हम क्लास फोर्थ के सिलेबस में से लेके आए हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट साइंस। तो फर्स्ट चैप्टर है साइंस सब्जेक्ट का द प्लांट वर्ल्ड। तो ये जो लेसन है ये क्लास फोर्थ के सिलेबस में से है। तो क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर वन फ्रॉम द सब्जेक्ट साइंस द प्लांट वर्ल्ड। तो इस प्लांट वर्ल्ड में हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड फंक्शंस ऑफ लीफ, फोटोसिंथेसिस क्या होता है और लीव्स के फंक्शंस क्या होते हैं। थर्ड सब चीज़ हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर किस तरह से वो डिपेंड करते हैं। तो साइड में आप राइट साइड में देख रहे हैं लीड क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले हम ये लीड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। ऑप्शंस दो दिए हुए हैं आपको, रूट्स और लीव्स। तो आपने बताना है रूट्स और लीव्स में से किचन ऑफ द प्लांट जो है वो किसको बोला जाता है। तो इसका आंसर आएगा लीव्स। लीव्स जो है उनको किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है। किचन ऑफ द प्लांट क्यों बोला जाता है, क्योंकि लीव्स हेल्प करते हैं प्लांट को फूड बनाने के लिए। प्लांट का जो फूड बनाने के लिए है, जो खाना होता है पौधों का, वो कहाँ से बनता है, लीव्स से बनता है। आगे जाते हैं, हु आर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, प्लांट्स, ऑप्शन है आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन दोनों में से कौन से होते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मीन्स उत्पादक कौन से होते हैं। तो इसका आंसर आएगा प्लांट्स, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है प्लांट्स वाला। चलिए आगे शुरू करते हैं चैप्टर पढ़ना अपना। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, मीन्स उनके अंदर जान होती है। मोस्ट प्लांट्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे लीव्स होते हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड हैव द सेम टाइप्स ऑफ लीव्स, मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, कुछ प्लांट्स जो हैं उनकी पत्तियां किस तरह की होती हैं, हरे कलर की होती हैं, ग्रीन होती हैं। हेयर आर गिवन द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, नीचे जैसे आपको कुछ लीव्स दी हुई हैं कुछ प्लांट्स की, जैसे बनाना, बनाना की अगर आपने पत्ती देखी होगी उसके लीव्स देखे होंगे वो किस तरह कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। पपाया के लीव्स भी किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट फिगर आपको नज़र आ रही है रोज़ लीव की, तो रोज़ लीव क्या कलर जो होता है वो कैसा होता है, वो भी ग्रीन कलर होता है। पीपल, पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, तो पीपल के पेड़ की पत्ती भी किस तरह की होती है, ग्रीन कलर की होती है। और लास्ट में है पिक्चर जो है वो नीम के पत्ते की है, तो नीम का जो पौधा होता है उसकी लीव्स, उसके पत्ते जो हैं वो किस कलर के होते हैं, वो भी ग्रीन कलर के होते हैं। तो मोस्ट, ज़्यादातर जो पेड़ हैं, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियाँ जो हैं वो किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। आगे है हमारा पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ पत्तियों के कौन कौन से अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी आ गए। हैंड है, आइज, ईयर्स, नोज, तो अलग अलग हमारे पार्ट्स बने हुए हैं। उसी तरह लीफ है, उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि इफ वी लुक एट ए लीफ क्लोजली, अगर हम ध्यान से एक पत्ते को देखें, लीफ को देखें, वी विल सी ए फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। तो हमें क्या नजर आता है, फ्लैट पार्ट एक नजर आता है, सतह नजर आती है बिल्कुल फ्लैट वाली। कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लेमिना, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे साइड में, लेफ्ट साइड में आपको पिक्चर नजर आ रही होगी एक लीफ की, तो जो प्लेन वाला एरिया होता है लीफ का उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड या फिर लेमिना बोलते हैं। द थिक लाइन इन द मिडल, और जो सेंटर से आपको एक बिल्कुल मोटी सी एक लाइन नजर आती है पत्ते में से, कोई भी पत्ता अगर लें तो उसके सेंटर से एक मोटी सी आपको थिक लाइन नजर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड द मेन वीन और द मिड रिब, उसको हम क्या बोलते हैं, मेन वीन। अब वीन होगी एक तरह से नाड़ी होगी, ये वो पत्ते की क्या है, वो लीफ की क्या है, नाड़ी है। मेन और द मिड रिब, या फिर उसको मिड रिब भी बोलते हैं। द थिन लाइन्स ऑन द साइड्स आर कॉल्ड बीन्स, और जो साइड में आपको नजर आ रही हैं छोटी छोटी लाइन्स निकली होती हैं पत्तियों में से, उनको हम क्या बोलते हैं, वीन्स। वीन्स
जो मैं बोलूँ उसको, वो क्या है पत्ती की, क्या है वो पत्तियों की क्या है नाड़ियाँ हैं वो। वीन्स ब्रिंग वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ फ्रॉम द रूट्स। वीन्स का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं पानी और मिनरल्स जो होते हैं वो रूट से, रूट क्या हो गई जड़ जिसको बोलते हैं हम, जड़ से वो क्या करते हैं वाटर और मिनरल्स को कैरी करते हैं और लीफ तक पहुंचाते हैं। द रूट्स एंड कैरी फूड फ्रॉम द लीफ, और फूड को कैरी करते हैं लीफ से टू द अदर पार्ट, अदर प्लांट पार्ट्स, उनको कैरी करके वो दूसरे जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वहाँ तक उनको पहुँचाते हैं। तो ये सारे जो हैं, जैसे साइड में आपको ये एक फिगर नज़र आ रही है, पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो क्या दिए हुए हैं पार्ट्स ऑफ ए लीफ दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लुक एट द अंडर साइड ऑफ ए लीफ विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। अंडर साइड मीन्स नीचे की सतह जो होती है, नीचे वाला पोर्शन। तो अगर हम लीफ के नीचे वाले पोर्शन में देखें एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से, we will notice that there are many tiny openings on the leaf। तो हमें क्या नज़र आता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो सुराख होते हैं पत्ते के नीचे, पत्तियों के नीचे। These openings are called stomata, और उन सुराख को हम क्या बोलते हैं stomata बोलते हैं। These help the plant to breathe, ये क्या करते हैं plant को help करते हैं सांस लेने में। Stomata leaves का, plants का वो part होता है जिससे प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है मींस आदान प्रदान होता है वो भी किसके थ्रू होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड, वो प्रोसेस जिसके जरिए पौधे जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रिंसेस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी हेल्प से, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प और वाटर की हेल्प से, और किसकी प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी में, उसको हम क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझिए इस डेफिनेशन को, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, वो प्रक्रिया जिसके थ्रू क्या होता है प्लांट्स जो हैं पौधे जो हैं मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जो हैं वो खाना बनाते हैं अपना फ्रॉम किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से, पानी की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इन द वर्ड फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट। अब ये जो वर्ड आपको है नज़र आ रहा है फोटोसिंथेसिस, अब इसमें फोटो का मीनिंग क्या होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मीनिंग होता है पुटिंग टुगेदर मींस एक साथ मिलके। लीव्स हैव ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, लीव्स के अंदर पत्तों के अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोफिल, दैट गिव्स देम ग्रीन कलर, जिसकी वजह से पत्तों का कलर जो है, पत्तियों का जो कलर है वो ग्रीन होता है। तो वो कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से पत्तियां जो है वो ग्रीन होती हैं, क्लोरोफिल इज दैट सब्सटेंस। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड सेंड इट टू द लीव्स, रूट्स का काम क्या होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं एंड सेंड इट टू द लीव्स, और उसको कहाँ भेजती हैं लीव्स में, पत्तियों में भेजती हैं। अब जैसे हम पौधों को पानी देते हैं तो वो पौधों को जो पानी जाता है वो कहाँ पे जाता है, रूट्स में जाता है, और रूट्स का काम क्या होता है कि उस पानी को कहाँ तक पहुँचाना, लीव्स तक पहुँचाना, पत्तियों तक पहुँचाना। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर लीव्स थ्रू स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लीव्स में इंटर करती है, पत्तियों में जाती है, किसके थ्रू स्टोमेटा के थ्रू। अब स्टोमेटा मैंने आपको बताया स्टोमेटा क्यों क्या होता है, स्टोमेटा होता है पत्तियों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके थ्रू प्लांट जो है वो क्या करता है सांस लेता है। क्लोरोफिल इन लीव्स अब्सॉर्ब सनलाइट, जो क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर वो क्या करता है अब्सॉर्ब करते हैं सनलाइट को, सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करते हैं, ले लेते हैं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कम्बाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है और वाटर और पानी जो है वो दोनों मिलके क्या करते हैं, वो दोनों मिलते हैं एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो क्या बनाते हैं फूड बनाते हैं प्लांट के लिए, पौधे के लिए, उस पौधे के लिए वो क्या बनाते हैं खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की फॉर्म में। Plants use this glucose as food and also store a part of it in the form of starch.
प्लांट्स जो हैं वो उस ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एज फूड, एज खाने के तौर पे उसको यूज़ करते हैं, और कुछ उसका पार्ट जो है वो स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्क, स्टार्क की फॉर्म में उसका कुछ पार्ट जो है वो स्टोर करके रख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन एज, अब ये इस तरह से नीचे आपको पिक्चर एक नज़र आ रही है, इस तरह से फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस होता है। क्या होता है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। नीचे आप फिगर भी देख रहे हैं, रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं, सूरज आपको सनलाइट नज़र आ रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और रूट्स में जब पानी जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं? आपकी सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लीव्स। लीव्स के फंक्शंस क्या होते हैं? तो तीन फंक्शंस दिए हुए हैं। लीव्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस इन ए प्लांट। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स का पहला फंक्शन क्या है कि वो खाना बनाते हैं किनके लिए? प्लांट, पौधों के लिए, बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो पहला काम होता है लीव्स का क्या करना? पौधों के लिए खाना बनाना। वो खाना किस तरह से बनता है? जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनता है। Therefore, these are called food factories of the plant. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है प्लांट का। दूसरी फंक्शन क्या होती है? दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। लीव्स का दूसरा फंक्शन क्या है कि वो हेल्प करते हैं प्लांट को ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। थर्ड फंक्शन क्या है? लीव्स हेल्प द प्लांट टू रिलीज वाटर इन टू द सराउंडिंग्स एंड देयर फोर कीप द सराउंडिंग्स कूल। लीव्स हेल्प करती हैं प्लांट की वाटर को रिलीज करने में इनटू द सराउंडिंग्स, अपने आसपास, एंड देयरफॉर कीप द सराउंडिंग्स कूल, ताकि आसपास जो है वो ठंडा रह सके, कूल रह सके। अब आ जाता है हमारा वर्क कॉर्नर। वर्क कॉर्नर में क्या करना है? यहाँ पे आपको फिलिप्स दिए हुए हैं। अब ये फिलिप्स आपने पूरा लेसन पढ़ा है, उसी में से ये फिलिप्स जो है वो आपको दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट फिलिप है, ये मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। आपने अपनी नोटबुक के ऊपर ये सारे फिलिप्स उतारनी है, ये आपको होमवर्क के तौर पे भी दिया जाएगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोटबुक के ऊपर ज़रूर उतारिएगा। फर्स्ट फिलिप है, डैश आर टीनी पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ ए लीफ। तो इसमें क्या आएगा? आपने ऊपर लेसन पढ़ा है, तो डैश आर टीनी पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ ए लीफ। टिनी पोर्स मीन छोटे छोटे जो सुराख होते हैं लीफ के नीचे वाली साइड में, अंडर साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो फर्स्ट फिलम में आएगा स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। सेकंड फिलम, द सेंट्रल वीन ऑन ए लीफ इज कॉल्ड, जो बिल्कुल सेंटर वाली वीन होती है, मध्य जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल सेंटर वाली जो वीन होती है लीफ के अंदर, पत्तों के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेन वीन या फिर मिड रिफ। तो इसके अंदर आएगा दो आंसर से इसके आ सकते हैं, मेन रिफ MAIN, मेन VEIN, वीन, मेन वीन, और या फिर मिड रिफ MIDRIB, मिड रिफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड फिलअप करते हैं। लीव्स अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की हमें क्यों नजर आती हैं, क्यों वैसे दिखती हैं, और किसकी प्रेजेंस, ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं? तो ऊपर पढ़ा हुआ आपने, कौन सा सब्सटेंस होता है वो? क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। फोर्थ फिलअप है, द फ्लैट सरफेस ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द, जो फ्लैट सरफेस होती है लीफ की उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। ठीक है, ये हो गया। अब फिफ्थ फिलअप है, द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, जो गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको हम क्या बोलते हैं? इज। सिक्स्थ फिलअप है, डैश एब्जॉर्ब वाटर एंड सेंड इट टू लीव्स। आगे नीचे बढ़ते हैं, नीचे एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज जो हैं वो क्लास एक्टिविटीज हैं, तो जैसे ही क्लासेस ओपन होंगी तो ये एक्टिविटीज आपको क्लास में करवाई जाएंगी। नीचे भी एक्टिविटी है, पेज नंबर 8 पे भी
तो ये एक्टिविटी वाला पार्ट है। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं। टू सर्वाइव एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जिंदा रहने के लिए एनिमल्स नीड फूड टू ईट। एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है खाने के लिए, एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। प्लांट्स गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स। प्लांट्स का काम क्या होता है कि वो फूड और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें जो है वो एनिमल्स को देते हैं। एनिमल्स को किस चीज़ की जरूरत होती है, खाने की और ऑक्सीजन की, और वो खाना और ऑक्सीजन कौन देते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स देते हैं। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। और प्लांट्स क्या करते हैं, जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं टू मेक देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए। दस प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन ऑर्डर टू लिव। इसलिए प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं जिंदा रहने के लिए। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एनिमल्स को खाना चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, और ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। तो एनिमल्स को खाना और ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करवाता है, प्लांट्स प्रोवाइड करवाते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो कौन अब्सॉर्ब करते हैं, प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो नीचे आपको फिगर में भी पिक्चर में भी जैसे दिया हुआ है, प्लांट्स गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स, और बदले में एनिमल्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स को। आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं, बैलेंस इन नेचर। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं, मींस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं वो, और एक मेंटेन करके रखा हुआ है उन्होंने बैलेंस प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर। इफ देयर इज ए सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आइदर प्लांट्स आर एनिमल्स ऑन द अर्थ। अगर अचानक से प्लांट्स की संख्या या एनिमल्स की संख्या जो है वो अचानक से इंक्रीज कर जाए या फिर डिक्रीज कर जाए, मींस बढ़ जाए या घट जाए, तो उसके क्या, उसकी वजह से क्या होगा, एक संतुलन जो है वो धरती का बिगड़ जाएगा। दिस बैलेंस विल बी डिस्टर्ब। तो ये बैलेंस जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। इफ मोर एंड मोर प्लांट्स आर कट, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो हैं वो काटेंगे, देन एनिमल्स विल नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तब एनिमल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं, प्लांट्स की वजह से। प्लांट्स की वजह से एनिमल्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सिमिलरली उसी तरह से इफ द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेस, अगर एनिमल्स की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, देयर विल बी नॉट वी एनफ फूड फॉर ऑल ऑफ देम, तो उनके लिए ज़्यादा खाना जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। दस इट बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, ताकि नेचर के अंदर एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो बना रहे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द सब्जेक्ट साइंस, और क्लास 4th में से ये लिया गया था। आगे हम पढ़ते हैं वर्ड एड मीन्स डेफिनेशन है कुछ सिंपल सी, लीफ प्लेट क्या होता है, मिडरिफ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं। तो ये भी वर्ड एड वाला जो टॉपिक है वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर उतारना है और इसको लर्न भी करना है। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने लेसन पढ़ा है वो क्वेश्चंस आपने खुद से करने हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट ए पार्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उस पर आपने टिक करना है, और अपनी नोटबुक के ऊपर ये जो क्वेश्चन है वो आपने उतारना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड। जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसको हम क्या बोलते हैं, अभी ऊपर आपने पढ़ा, वीन्स बोलते हैं, मिडरिप बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं, या फिर लीफ एज बोलते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा सी, लेमिना।
जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। सेकंड, द गैस गिवन आउट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स गैस गिव आउट करते हैं, निकालते हैं, वो कौन सी गैस होती है? तो वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है या फिर नाइट्रोजन होती है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस होती है, दैट इज ऑक्सीजन होती है। तो इसमें क्या आएगा आंसर आपका, ऑक्सीजन। थर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन लीव्स चेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू। सनलाइट के प्रेजेंस में जब सूरज होता है तो उसके प्रेजेंस में ग्रीन लीव्स जो पत्ते होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को चेंज करके किस में कन्वर्ट करते हैं? पहला ऑप्शन है स्टोमेटा, क्लोरोफिल, ग्लूकोज या फिर प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ही है जो प्लांट्स का खाना होता है, जो प्लांट्स खाते हैं। तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, ग्लूकोज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, नेम द फॉलोइंग। अब इसका वन वर्ड आंसर आएगा आपको। तो वन वर्ड आंसर कैसे आएगा, जैसे मैं करके बताता हूँ आपको, आपने अपनी नोटबुक के ऊपर उतारते जाना है। द लाइन्स ऑन द साइड्स ऑफ ए लीफ। अगर आपने पत्ता देखा होगा तो पत्ते के साइड में जो छोटी छोटी लाइन्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये ऊपर भी पढ़ा हुआ है आपने, तो उसको क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, वीन्स, वी ई आई एन एस, वीन्स। सेकेंड पार्ट, द सब्सटेंस दैट गिव्स ए लीफ इट्स ग्रीन कलर। वो सब्सटेंस जो लीफ को ग्रीन कलर देता है, पत्तों को ग्रीन कलर देता है, जैसे आपने देखा होगा जितने भी पत्ते होते हैं पौधों के वो सारे ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से वो पत्तों का कलर जो है वो ग्रीन होता है? तो वो क्या आएगा आंसर इसका, क्लोरोफिल। तो सेकंड का आंसर आएगा क्लोरोफिल, सी एच एल आर एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल, क्लोरोफिल। थर्ड पार्ट, द प्लांट यूजेस दिस एज इट्स फूड। प्लांट्स जो हैं वो इसका यूज़ करते हैं एज ए फूड के तौर पे, एज ए खाने के तौर पे। तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है, कौन सी चीज़ होती है, अभी ऊपर आपने पढ़ा था क्या होगा, वो ग्लूकोज होगा, जी एल यू सी ओ एस ई, ग्लूकोज। तो इसमें आएगा आपका, थर्ड में आएगा ग्लूकोज। फोर्थ, फूड गेट्स स्टोर्ड इन द प्लांट इन दिस फॉर्म। फूड जो है वो प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? तो वो क्या आएगा, स्टार्क, S-T-A-R-C-H, स्टार्क। जितने भी आंसर सब वो आपने ऊपर लेसन में पढ़े हैं, अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो ये उसके लिए बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट फिफ्थ है, गैस दैट एनिमल्स ब्रीथ आउट। एनिमल्स जो है वो कौन सी गैस ब्रीथ आउट करते हैं, मीन्स निकालते हैं, तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, C-A-R-B-O-N, कार्बन D-I-O-X-I-D-E, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बी पार्ट, नेम द फॉलोइंग। अब करते हैं सी पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स। अब इसमें टिक आपने टी या एफ लिखना है, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स लिखना है, कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट, लीव्स हैव ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड ग्लूकोज। लीव्स में एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि लीव्स जो हैं हैव ए ग्रीन सब्सटेंस, उसको हम ग्लूकोज नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा, एफ, एफ मीन्स फॉल्स आएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड, एयर इंटर लीव्स थ्रू स्टोमेटा। एयर जो है वो लीव्स में इंटर करती है स्टोमेटा के थ्रू। जी हाँ, बिल्कुल सही है, स्टोमेटा क्या होते हैं, टिनी होल्स होते हैं लीव्स के अंदर जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, टी। थर्ड करते हैं, प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के थ्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा ये भी। जी हाँ, प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। अगर होता यहाँ पे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो फिर क्या हो जाना था, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, तो उल्टा हो जाना था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है रेस्पिरेशन का। चलिए, तो थर्ड पार्ट में क्या आएगा, थर्ड पार्ट आएगा ट्रू। फोर्थ, आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स ब्राउन कलर इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्क।
ये एक्टिविटी में से क्वेश्चन था जो हमने नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स ब्राउन कलर इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्क, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स ब्लैक कलर, आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो ब्लैक कलर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्क की प्रेजेंस में, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स एफ। लास्ट है, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल गलत है ये, फॉल्स आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो है वो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन आएगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था हमारा सी पार्ट ट्रू फॉल्स का। आगे हैं वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने पूरा लेसन पढ़ा है, लेसन्स में से ही आपको इसके आंसर जो है वो ज़रूर मिलेंगे। जिस किसी ने भी इस लेसन को ध्यान से सुना होगा तो वो उसके लिए आंसर जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो करना बहुत ही ईजी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, ये लेसन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन को करने में, अटेम्प्ट करने में, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम उसका सलूशन जो है वो आपको ज़रूर बताएंगे। या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके सलूशन, इस चैप्टर के सलूशन जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। Thank you so much.